ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਈਏ, ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਈਏ। ਵੀ ਆਰ ਲੀਵਿੰਗ, ਹਮ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਸਟ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੇ, ਔਰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰਤੇ ਕਰਤੇ ਵੀ। तो फिर निकली हूँ, मैंने पहना है पिंक सूट एंड एंजल ने तो आपने देख ही लिया था क्या पहना है, और मम्मा बैठी है आगे, अभी हम जा रहे हैं कि तो कोई और भी आ रहे हैं, तो गार्ड भैया को दे रहे हैं हम लोग की, है ना, मैट लगा हुआ है, और अब हम चलते हैं। गाइस अभी हरदीप और सुप्रीम माँ से भी हमारे साथ गाँव जा रही है। हाँ वो लोग भी आएंगे तो उनको रिसीव करना है, बस अब मैं फ़ोन कर देती हूँ तो वो बाहर ही मिलेंगे हमें। एंड गाइस आज रात का व्लॉग इतना अमेजिंग होने वाला, कल का मेले का व्लॉग बहुत ज़्यादा टू पार्ट्स में आएगा वैसे शायद हमारा व्लॉग, क्योंकि बहुत लॉन्ग हो जाएगा तो इसलिए टू पार्ट्स में ही आएगा। फ़ोन तो वही रह गया, कौन से फोन वाले जो लेके आई थी ठीक कराने के लिए, तो गांव में ठीक होंगे मम्मी? नहीं होएंगे तो यही, मतलब दिखाने चाहिए ना, हमने दिखाए नहीं ना। अच्छा हाँ वो दिखाए नहीं, चलो ठीक है। दूध भी लेना है हमें गांव के लिए, हाईवे से थोड़ी मिलेगा। हाँ ले ले, दूध लेके जा रहे हैं यहीं से, क्योंकि वहाँ तो शॉर्टेज हो जाती है, वहाँ पे गेस्ट वेस्ट बहुत होते हैं ना गांव में, तो वहाँ पे शॉर्टेज हो जाती है दूध की, तो इसलिए हम लोग यहीं से लेके जा रहे हैं, जाके बस बॉईल वॉइल कर लेंगे उसको, तो चल जाएगा हमारा 2 kg दो दिन ना, नहीं चलेगा ना। चलो अब ATM से पैसे वैसे निकाल लेते हैं थोड़ा बच्चे के लिए। कम आओ अंदर आओ ना, लो बस कैश इज हेयर, हमारे मेले का कैश निकल गया। लो मम्मी जल्दी डालो, चोर हो जाए, चोर आ जाएंगे चोर। जल्दी चलो, वैसे हमारे साइड का एरिया ऐसा लूट लाट वाला नहीं है। हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल, तो चलो जैसे मर्जी तुम गोल्ड पहनो, जो मर्जी पहनो, बेफिक्र होके, कोई टेंशन नहीं, दिल्ली में नहीं तुम ऐसे निकल सकते हो भैया। हाँ उत्तराखंड में फिर भी सही है, चलो बट, और मैं दिखाऊंगा आपको अपनी हील्स, पैर टैनिंग वाले हो गए काले काले से अजीब से, क्योंकि मैं ना आजकल स्लीपर्स में घूम रही थी। सो गाइस आ चुके हैं हम अपने गांव वाले घर पे, ये हमारी मेन एंट्री घर की। हाँ भाई ये बताओ का लड़का, और इधर हमारा जीना भी, हमने यहाँ पे रेलिंग नहीं लगवाई है बट लगवाएंगे, और ये है हमारी मेन एंट्री यहाँ से, ये देखो मम्मी खड़ी है, गाँव वाला। हाँ ऊपर बाबा जी की फोटो, ये देखो ये है एक रूम, लाइट जलाओ ना मम्मी, ये देखो एक रूम ये है, बाकी इसमें ज़्यादा सामान अभी हमने रखा नहीं, धीरे धीरे लाके रखेंगे। खाट पड़ी है, ये टेबल हमारी दिल्ली से ही लाए थे हम, ये वो पड़ी है ठीक है, ये देखो बाकी पूरा फैन वगैरह सब ओके है। ये देखो एक रूम मेरा ये है हमारा, मतलब ये देखो पूरा ये बेड पड़ा है, इस पर भी मैट्रेस वगैरह मम्मी ने डाल लेनी, क्योंकि ख़राब हो जाते हैं ना, पेटी में पेटी से निकाल के डालेंगे। ये देखो जी ये मम्मी के कपड़े धोने वाला, कपड़े धो के सुखाने वाला तार, मम्मी ने केबल वायर पे सुखाते तो यहीं रख रखा, और ऊपर बांध देंगे। अब हाँ बाबा जी की फोटो है, और ये है हमारा ड्राइंग रूम, छोटा सा प्यारा सा ड्राइंग रूम ठीक है, और जाले भी लग गए। और हाँ और ये है हमारी किचन रूम, वो लाइट कहाँ से इसकी, ये हमारी किचन सिलेंडर, ये हमारा फैन रखा हुआ है, छत पे लगा के सोएंगे आज हम, दिखाएंगे आपको। ये हमारी किचन, ये देखो ये है हमारी किचन, ये है हमारी सिंक ठीक है, देखो कितना प्यारा सा छोटा सा हमारा घर, और ये वॉश बेसिन, और ये है हमारा वॉशरूम ठीक है, मतलब हमारा पर्सनल है हमारा घर। ये भी गंदा हो रहा है ना, साफ करेंगे, क्योंकि ये भी यूज़ की थी ना, कजिन वगैरह भी यूज़ करते हैं इससे पीछे। रूम तो हमारे लॉक ही रहते हैं, बट ये एरिया थोड़ा सा ड्राइंग रूम वाला यूज़ हो जाता है, तो दैट्स वाई। मम्मी यार हवा पास होने के लिए ना थोड़ा खिड़की खोल दो, उससे क्या होगा कि घर में घुटन कम होगी। यार ये बंद क्यों नहीं हो रही है, खुद से नहीं हो रही ना ऐसे, चलो ये खोलो इसे
दिल में मत लगा लेना। ये देखो जी खोल दिया, ले आई तू अपना बैग। ओए मेरा मेकअप का सामान तो बट उसमें पड़ा है मेरे ब्लू वाले बैग में। चल वो बाद में आ जाएगा, मेरे पास इतना नहीं है। मेरे पास है सारा बट उसमें पड़ा है। क्रीम भी बोल रही मैं रेड वाला। बस ठीक है, तो हम लोग नगर कीर्तन में हो चुके हैं रेडी। Oh,
मैं तो टेंशन से सो जा रही हूं।